देखना आप ध्यान से देखना। सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट क्लास में हमने कितना कर लिया था, इंडेक्स निकालो फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला था, एक सिंपल था, इंडेक्स निकालो जहां लिखवाया था, याद है? सिंपल, सिंपल के बाद क्या था हमारा? प्रीमियम, वो भी कर लिया। प्रीमियम के बाद ओवर सब्सक्राइब वाला भी कर लिया। तीन केसेस था, रिफंड, एडजस्ट, एडजस्ट और रिफंड, तीनों था इसमें। इसके बाद एरियर भी कर लिया, एरियर के अंदर भी दो तीन केस देख लिए। इसके बाद एडवांस और एरियर को हमने ज़्यादा काफ़ी टाइम तक किया भी। एडवांस और एरियर के बाद हमारा था शेयर फोर फीचर, फोर फीचर भी कर लिया। फोर फीचर के बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम री इशू है, री इशू पे टिक करो, वो भी कर लिया हमने। री इशू के बाद है आपका फोर फीचर एट प्रीमियम, नहीं उसके अंदर नहीं है तो प्रीमियम वाला पॉइंट लिखवाया नहीं मैंने, चलो वो फोर फीचर में कवर है। इसके बाद आगे हमारा रीइशू हो गया, और एक ये प्रीमियम वाला करने के बाद अदर देन कैश और बैलेंस शीट कैश बुक रह जाएगा, सिर्फ दो पॉइंट रह जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए। तो आज का सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेयर फोर फीचर एंड आपका शेयर फोर फीचर। अब हेडिंग देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है शेयर फोर फीचर व्हेन इशूड एट प्रीमियम। लास्ट क्लास में हमने किया था शेयर फोर फीचर तो हुआ, लेकिन इशू पार पे था। अब इशू प्रीमियम पे होगा, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उससे, ठीक है? तो हमने शेयर को कर लिया फोर फीचर, और कब किया फोर फीचर? इससे पहले बैक में अगर सोचे तो हमने इशू कर रखा था उसको किस पे, इशू कर रखा था प्रीमियम पे, और वो अब डिफॉल्ट हो गया और उसका शेयर फोर फीचर करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे उसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कौन सा शेयर फोर फीचर होगा जिसको हमने इशू किया था कैसे, प्रीमियम पे पार पे? पार वाला तो हो चुका है। जिस शेयर को मैंने इशू किया था प्रीमियम पे, अब उसका फोर फीचर कैसे होगा, समझ में आया क्या करने वाले? तो देखो मैंने एक सिंपल सा तीन पार्ट में केस में इसे डिफाइन कर दिया। तीनों पार्ट केस हम समझ लेंगे अच्छे से, और एक क्वेश्चन हम इस पे करेंगे जिस पे तीनों केस अप्लाई करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बोर्ड पे बड़े ध्यान से देखना है, और कोई भी आपको नोटिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना। अब मैंने पहला केस लिखा, इसको मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं कि 10+3 है, इसका मैं कुछ पार्ट डिवाइड कर देता हूँ, 2 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए, और मैं यहां पे डाल देता हूँ 2 रुपए। पहले केस में मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यहां रखना चाहूंगा, और 3 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम और 2 रुपए का शेयर कैपिटल, ठीक है? मैंने यहां बोला कि फेल ऑन प्रीमियम एंड फोर फीचर ऑन और आफ्टर, इसका मतलब जो फेल हुआ है ना पर्सन, यहां पे मान लेते हैं एक पर्सन जिसका नाम मान लेते हैं राम, वो 200 शेयर देने में फेल हो गया। तो फेल ऑन प्रीमियम का मतलब जहां प्रीमियम मांगा गया था वहां फेल हुआ है, ठीक है? फोर फीचर मैंने इससे ये भी मांगा और ये भी मांगा, इसका फोर फीचर मैंने यहां पे कर लिया। ध्यान से देखना है, इस पर्सन राम का प्रीमियम पे फेल हुआ यहां, यानी अलॉटमेंट पे तो फेल हुआ, फर्स्ट कॉल पे भी फेल हुआ, फाइनल कॉल पे भी फेल हुआ, और इसका शेयर हो गया फोर फीचर। सेकंड केस का मतलब क्या है, 10+3 सेम मैं रखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, 2 रुपए। मान लेते हैं कि हमारा प्रीमियम यहां है, अब प्रीमियम यहां मतलब 3 रुपए और 1 रुपए, और यहां पे राम था, राम यहां पे है, 200 शेयर फेल हो गया, और इसका शेयर मैंने यही फोर फीचर कर लिया है। मतलब फेल होते ही मैंने इसका शेयर क्या कर लिया, फोर फीचर। इससे क्या मैंने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं मांगा, क्या फाइनल कॉल मांगा, आगे मैं इससे मांग ही नहीं रहा। जब इससे मैं आगे नहीं मांग रहा तो यहां फोर फीचर। अब देखो फेल बिफोर प्रीमियम, प्रीमियम से पहले, एंड फोर फीचर ऑन फेल, जब फेल हुआ तभी उसका शेयर क्या कर लिया हमने, फोर फीचर। केस समझ में आया? इसका क्या मतलब है, 10 रुपए का शेयर है प्लस में 3,
देखते हैं, 2 रुपए सेम ही रखूंगा मैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस ध्यान देना है आपको। मैंने बोला फेल आफ्टर प्रीमियम, मान लो कि यहां पे मैंने ले लिया अगेन प्रीमियम, वो यहां फेल हो गया एंड शेयर फॉर फ्यूचर। पहले नाम से उसका क्वेश्चन को मैच करो, क्या बोला है फेल कब हुआ, आफ्टर पेमेंट, इसमें कहां फेल हुआ है प्रीमियम के, तो क्या सिचुएशन होगा, और ये फेल प्रीमियम आगे है उससे पहले, और यहां पे ऑन प्रीमियम के ऊपर, ठीक है तीनों केस में। चलो मैं इस केस में क्या फर्क है, पहले मैं जनरल एंट्री कर दूं, ये इसका पेबल एज है, जनरल एंट्री कर देते हैं। जनरल एंट्री सबसे पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन, ध्यान से देखना आप, और ये आएगा हमारा कितने अमाउंट का, बींग नहीं लिख रहा, बस आपको समझाने के पर्पस है मेरा, यहां पे रटवाना नहीं है और ना ही आपने रटना है, ये लॉजिकल पता होना चाहिए। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं इस वाले केस के लिए करने जा रहा हूं ये एंट्री। यहां पे आएगा 50,000, 20,000, किसी को डाउट इस एंट्री में, देखो यहां तक तो सिंपल है, पहले करते आए हैं शुरू से हम। अब अगली एंट्री करेंगे बैंक में पैसा रिसीव करेंगे, बट है क्या बैंक में कम आएंगे, कितने आएंगे 1,000 रुपए कम, यानी 49 एरियर 1,000, टू शेयर 50,000। अगली एंट्री देखें शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट क्या आएगा हमारे यहां पे बताओ, 40,000, ठीक है ना, कैसे 40 आया, 4 रुपए। अब हम बैंक में पैसा रिसीव करने जाएंगे तो क्या पूरे पेमेंट मिलने वाला है, 800 रुपए कम आएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। कॉल सिनेरियर टू शेयर 50,000, चलो बाकी की एंट्री इधर करते हैं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ में आया, अब बैंक में क्या सारा पेमेंट आ जाएगा, बिल्कुल सही 400 रुपए कम आएंगे। कॉल सिनेरियर और टू शेयर 50,000, अब यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, यहां तक के एंट्री में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर है, सिंपल फेल हुआ और उसका हम एंट्री करते गए माइनस करते गए, ठीक है ना। अब मैं एक सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बस जवाब देना है और आई नो कि आपको आंसर पता है। ये जो शेयर कैपिटल दिया है मैंने कितने लोगों को दिया है, पूरे 10,000 लोगों को, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 98% वो थे जो कि फेल नहीं हुए और 200% वो थे जो फेल हो गए, ठीक है मिला के दिया है। यहां पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया है किस किस के नाम का है, सबका, मैं बोल सकता हूं कि यहां पे 9,800 और प्लस, यहां पे भी सेम ऐसे कंटिन्यू चलता गया। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है, 10 रुपए वाला शेयर अगर मैं आपको 12 रुपए में बेचूं, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर अगर मैं 12 में बेचूं तो 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। अब जब 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है
तो इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मैं कभी फोर फीचर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में जब आपको दिया तो मैंने क्लियर बोल के दिया कि भाई 2 रुपए का आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। जैसे मान लो आप सिंपल सा एग्जाम्पल लो कि आप रेलवे की टिकट करवाने गए या मूवी की टिकट करवाने गए और उसके अंदर आपने ब्लैक में खरीद लिया, तो जब आप रिफंड करने जाओगे उसको, या फिर आपने बोला कि जी अभी नहीं देखना, आपका पैसे रिफंड करना है, तो क्या जितना पेमेंट ब्लैक में आपने दिया उसे, क्या वो रिफंड होगा या जो अमाउंट लिखा है वो वही रिफंड होगा? सिर्फ अमाउंट लिखा है वही रिफंड होगा। सेम ऐसे अगर आप में और मेरे में कोई लड़ाई झगड़ा होता है और पैसा देने लेने की नौबत आ जाए, तो मैंने जितना पेपर में लिखा है उतना ही दूंगा, 10 रुपए लिखा है 10 रुपए वापस दूंगा, 2 रुपए तो मत भूल, 2 रुपए तो मांगो भी मत, भूल जाओ उसे, क्योंकि उसको मैंने एक तरीके से ब्लैक में बेचा है आपको, तो उसको तो रिफंड नहीं मिलेगा। अब एक शेयर होल्डर है जिसने मान लो पूरे 12 रुपए पेड कर दिए, अब मैं उसके कितने रुपए फोर फीचर कर सकता हूँ? सिर्फ 10 ही फोर फीचर कर सकता हूँ, 2 रुपए प्रीमियम का तो फोर फीचर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जबकि हम 10 वाले शेयर को 12 में इशू कर देंगे तो जितना एक्स्ट्रा है 12 13 15 जो भी एक्स्ट्रा है उसको कॉल करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कंपनी के लिए क्या होता है? इनकम। और इनकम शुड बी क्रेडिट, और इनकम क्या होना चाहिए? इस वाले एग्जाम्पल में कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम जो किया है क्रेडिट, कुछ ऐसे बोला कि 9800 और 200, 9800 वाले ने 3 रुपए का प्रीमियम है और इसके भी 3 रुपए का प्रीमियम है, यानी जो मैं यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का मैंने यहां पे क्रेडिट किया है, इसका मतलब है कि मुझे 30,000 मिल जाएंगे, मेरा 30,000 रुपए इनकम है, मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि मेरा 30,000 इनकम है, मिल जाएगा, इसलिए मैंने यहां क्रेडिट किया है। समझ में आया सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि मैं इनकम मान रहा हूं। लेकिन टाइम बीतता गया, ये एंट्री गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मैंने जो 30,000 इनकम माना था उसमें से 200 शेयर होल्डर ऐसे निकल गए जो कि पैसे देने से मना करने लग गए। तो क्या उसने प्रीमियम का पैसा दे के मना किया था? सारा ही पेमेंट देने से मना करने लग गए। तो अब मुझे फाइनल लास्ट में फाइनल कॉल के बाद पता चला, यार मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे 30,000 शेयर से मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया है, 9800 जिसने दिए हैं और 200 वाले ने तो दिए ही नहीं, फिर भी मैं उसका क्रेडिट करके बैठा हूं मैं। इसका मतलब ये एंट्री क्या है हमारा? गलत है। अब इसको ठीक करना चाहिए। तो इस प्रीमियम को कैसे ठीक किया जाए? क्रेडिट करके तो मैंने करा था गलत, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी एडजस्टमेंट, इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री हम कब करेंगे? शेयर फोरफीचर के टाइम पे। तो जब शेयर फोरफीचर करेंगे तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या किया जाएगा? डेबिट। लॉजिक रीजन पता चल रहा है क्यों? क्योंकि मैंने गलती कर रखा है, वहां पे इनकम मान रखा है, इसलिए मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और फिर क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? चलो अगले पॉइंट में इस वाले केस को लेते हैं। मैं तीनों केस को लूंगा फिर फोरफीचर रीइशू कर दूंगा। इसके वाले केस में लेते हैं, यहां फेल हुआ ये, ठीक है। इस केस में एप्लीकेशन की तो एंट्री सेम ही रहना है, अलॉटमेंट का चेंज होना है। शेयर अलॉटमेंट मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जी कितना? 50। क्या इसके नाम से सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया मैंने? कहां दिख तो नहीं रहा मुझे, क्या इसके नाम से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया? नहीं किया। अब इसके बाद बैंक में पैसा आएगा, वही एंट्री करते हो ना नॉर्मल, बैंक में कितना लिखोगे? 50 माइनस में 1,000 यानी 40, और टू शेयर या कॉल्स अलॉटमेंट एरियर 1,000। मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं कुछ, बस समझाना है आपको, तो ये मत समझना कि ये मैंने कर दिया, इसको बस समझाने के लिए। ये अब मैंने इसका शेयर यहीं फोर फीचर कर दिया है, यहीं फोर फीचर कर दिया, मैंने बोला बस अब आपसे आगे के पैसे नहीं मांगूंगा, आपके शेयर फोर फीचर किए जा रहे हैं। मैंने कितने शेयर इशू किए थे सोचो, सोचो जरा, 10,000, जिसमें से 200 तो वापस ले चुका हूं मैं अलॉटमेंट पे। अब कितने रह गए मार्केट में? 9800 रह गए ना। अब मैं अगली एंट्री जब करूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कितने शेयर से होगा? 98 से ही होगा ना,
ये भी कितने शेयर से होगा? 98। यहां तक समझ में आ रहा है? अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद कौन सी कॉल करेंगे? फाइनल कॉल, बैंक में पैसा रिसीव। जो मैंने यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया है, क्या ये एरर है? 9800 का मैंने प्रीमियम दिखाया होगा यहाँ, और 9800 के सब ने पेमेंट दे दिया होगा, कोई गलती है नहीं। तो बताओ क्या इस प्रीमियम को मुझे रेक्टिफाई, यानी इस प्रीमियम का मुझे इम्पैक्ट रिवर्स एंट्री करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जाएगा। सोचो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि मैंने एंट्री गलत नहीं किया हुआ, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम इस केस में डेबिट होगा या नहीं होगा? नहीं होने वाला। समझ में आई बात? इस केस में क्यों हुआ था? क्योंकि प्रीमियम हमने गलती कर रखी थी, आगे चल के हमें रेक्टिफाई करना है। इस वाले केस में देखो, ये पेमेंट कर चुका है, फेल तो यहां हुआ। पेमेंट के टाइम पे इसने क्या किया होगा? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ इस तरीके से किया होगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कितने पर्सन के नाम से किया होगा? पूरे 10,000। फेल फर्स्ट कॉल पे हुआ, क्या 10,000 के 10,000 ने मुझे प्रीमियम का पैसा दे दिया अलॉटमेंट पे? दे दिया, प्रीमियम भी यही था। जब मुझे उसने सबने पैसे दे दिया, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में मैंने कोई मिस्टेक कर रखा है क्रेडिट करके? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं डेबिट करने की जरूरत है? नहीं। तो इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा डेबिट नहीं होगा। यानी बड़े ही सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको कंक्लूजन एक वर्ड में मैं इसे खत्म करूं, इसको प्रीमियम को, तो जब कभी भी शेयर फोरफीचर होता है, ध्यान से सुनना, जब कभी भी शेयर फोरफीचर होता है और इशू किया जाता है प्रीमियम पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो प्रीमियम पे फेल हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें डेबिट भी करना पड़ेगा। कहां पे? शेयर फोरफीचर करते टाइम पे। लेकिन अगर प्रीमियम पे फेल नहीं हुआ, या प्रीमियम से पहले फेल हो गया, या प्रीमियम के बाद फेल हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। एक केस बताना, देखो फटाफट से मैं पूछता हूं, आप बताना मुझे। 10+3 2, 5, 4 और 2, यहां पे 3 है, ठीक है ना? ये यहां फेल हो गया, यहां भी फेल हुआ, यहां भी फेल हुआ। अब मुझे बताना सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कितने बच्चे बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने बच्चे बोलते हैं करना चाहिए? चलो करना चाहिए। क्यों? प्रीमियम डेबिट होगा। आप ये मत समझो कि प्रीमियम पे ही फेल हो, इस एंट्री को मैंने किया होगा, इस एंट्री के बाद इसका नंबर आया होगा या नहीं आया होगा? आया होगा। फिर मैंने यहां पे प्रीमियम क्रेडिट कर दिया होगा, फिर इसके बाद ये भी नंबर आएगा क्या? फिर मैंने नॉर्मल एंट्री किया होगा, तो प्रीमियम तो क्रेडिट कर ही चुका हूं ना मैं। कितने से कर दिया मैंने? पूरे। लेकिन उस प्रीमियम का पैसा मिला है क्या मुझे? नहीं मिला। तो अब प्रीमियम डेबिट होगा। यानी ये मत सोचना प्रीमियम पे ही फेल हो, प्रीमियम कहीं भी हो और प्रीमियम के टाइम पे फेल हो जाए आके, तब उसकी एंट्री डेबिट करेंगे। अब मुझे बताना ये यहां फेल हुआ, क्या प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अब बताना मुझे जरा, देखते हैं ये शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है? उसने ये पेमेंट किया, ये पेमेंट किया, फेल। अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन पूरे 3 रुपए से नहीं, कितने से? 1 रुपए से, जहां का वो फेल हुआ है, ठीक है? समझ में आया? अब देखो फोर फीचर की एंट्री मैं करके दिखाता हूं कैसे, जो मैं अभी तक समझा रहा था। अगली एंट्री शेयर फोर फीचर करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर फोर फीचर का मतलब हर बार देखो, यहां पे भी मैंने उसके नाम से क्रेडिट किया है, यहां पे भी क्रेडिट किया है, यहां भी क्रेडिट किया है इक्विटी शेयर को, तो वो गलत हो गया क्योंकि उसके तो रिवर्स एंट्री करना है। तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से डेबिट करना चाहिए? 200 शेयर और मल्टीप्लाई बाय 10। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, कितने से? 200 मल्टीप्लाई बाय
अब टू में शेयर फोर फीचर, अब बताओ इसने कितना पेमेंट दिया था जो फोर फीचर करे? सिर्फ इसने यही तो दिया, सिर्फ यही दिया है, फोर फीचर कर ले तो 200 मल्टीप्लाई बाई दो कितने रुपए फोर फीचर हो जाएगा इसका? 400 रुपए फोर फीचर कर लेंगे। इसके बाद एरियर किस पे? ऑन अलॉटमेंट कितने? 1000। और टू शेयर कॉल्स इन एरियर, आप याद रखना एक पॉइंट, कॉल्स इन एरियर हम इकट्ठा लिख सकते हैं, दोनों का जोड़ दिया कौन सा? एक 800, ये इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम आया ना इस एंट्री में, समझ में आया? अब सपोज करो इसको मैं रीइशू कर रहा हूं, रीइशू कर रहा हूं एट 9, ठीक है ना? रीइशू की एंट्री यही कंटिन्यू चल रहा है हमारा। रीइशू में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट 9 रुपए यानी 1800, टू शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, टू कैपिटल, जब लास्ट क्लास में किया था हमने तो 200 रुपए का नुकसान और 400 कमाया था। कोई डाउट? फर्स्ट केस कंप्लीट, देखो कोई डाउट। सेकंड केस करें, सेकंड केस में मैं सारी एंट्री नहीं करूंगा, सिर्फ फोर फीचर और री इशू की, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा सिर्फ क्या करने वाला हूं मैं, फोर फीचर और री इशू। सेकंड केस के लिए मैं यहां कर रहा हूं, अब यहां यही फेल हुआ और यही फोर फीचर हो गया। एंट्री क्या करेंगे हम? एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, अब बताओ कितने? 200 मल्टीप्लाई बाय जहां पे उसको रोक दिया जाए, भाई अब आगे नहीं जाएगा, वहां से पहले वाला सारा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा जहां रोक दिया जाए। कहां रोक दिया मैंने? अलॉटमेंट पे। मैंने बोला बस फॉरफिचर नहीं करना, इसको रोक दिया, अब अलॉटमेंट को जोड़ो और इससे पहले वाला जोड़ो, कितने हो गए? 700 रुपए इंटू में 7। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करें? नहीं करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है आज का। हमें कब पता चले कि डेबिट करना चाहिए? नहीं, नहीं करना डेबिट। टू शेयर फोर फीचर कितने दिए? टू एरियर अलॉटमेंट, कोई डाउट? अब जो री इशू की एंट्री करेंगे तो री इशू की एंट्री ये दोनों, क्योंकि 9 का ही मैंने लिखा हुआ है, 18 रुपए 200 का नुकसान रहेगा और आगे कंटिन्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, समझ में आया यहां तक? अब मुझे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मुझे बताओ कि ये शेयर रीशू क्या 7 रुपए में कर सकता था? नहीं, इसी केस में पूछ रहा हूं मैं, 7 रुपए में बताओ, 7 रुपए में अगर री इशू करूं तो नुकसान कितने का? मैंने बोला 7 रुपए फुल्ली पेड अप, मतलब आप मुझे 7 रुपए दें, आपको 10 रुपए के बराबर का हकदार बना दूंगा, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, फुल्ली पेड अप नहीं हो सकता। पार्टली पेड अप तो हो सकता है, फुल्ली पेड अप नहीं हो सकता। अब बातों को समझो आप, मैंने बोला आप मुझे 7 रुपए दो, मैं आपको 10 का हकदार बता दूंगा, तो इसका मतलब 3 का लॉस, जबकि अलाउड कितना करता है सिर्फ, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला आप मुझे 7 रुपए दो, मैं आपको 5 रुपए का हकदार बना दूंगा या 7 रुपए का हकदार बना दूंगा, तो ये पॉसिबल है, तो वहां फुल्ली पेड अप है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे एंट्री करें इसकी, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? अगेन शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 मिनट, अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने इस शेयर होल्डर को कहां फेल हुआ था, यहां पे कहां फेल हुआ मैटर नहीं करता, कहां पे मैंने इसको बोला बस पकड़ लिया मैंने इसे कि अब नहीं देना, लास्ट में ना सारे जोड़ लो कितने हैं। प्रीमियम को मत जोड़ लेना, प्रीमियम मेरे काम का नहीं है। तो यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करें? नहीं करेंगे, क्योंकि फेल कहां हुआ है? फर्स्ट कॉल पे और प्रीमियम देने के बाद। हेडिंग भी देखो, फेल आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम एंड फॉरफीचर। तो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। शेयर फॉरफीचर कितना होगा बताओ, 7 रुपए या 5 रुपए? दिए 7। क्या प्रीमियम में अपना फॉरफीचर कर सकता हूं? नहीं कर सकते ना। तो अमाउंट क्या आएगा? 4 रुपए। और 2 एरियर किस पे है? कॉल्स पे। कोई डाउट? रीशू की एंट्री सेम रहे, समझ में आया? यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया है, ये देखो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ, यहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम। आज का कॉन्सेप्ट यही था कि जब हम शेयर फोर फीचर करते हैं और इशू प्रीमियम पे हुआ हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कई बार डेबिट कर दिया जाता है और कई बार नहीं किया जाता। सिंपल में एक वर्ड में अगर खत्म करूं तो अगर प्रीमियम पे फेल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, बाकी किसी केस में डेबिट नहीं होगा। और शेयर प्रीमियम के पैसे को फोर फीचर किया जा सकता है क्या? प्रीमियम के अमाउंट को फोर फीचर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, भले उसने दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, चलिए अब आप नोट करिए इसको।